Enemies ahead! Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. आज के इस गेमप्ले में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे पांच पांच ब्लड रेवन थे, ऊपर से वो कॉन्करर थे। तो भाई आज मुझे पता चल गया था कि ये वाली लॉबी बहुत तगड़ी होने वाली है और मुझे संभल के खेलना पड़ेगा। भाई उतरते ही मिल जाता है ये बंदा और इसको भर देता हूं। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या ये मेरा वाला ब्लड रेवन उन चारों ब्लड रेवन से आज की ये लड़ाई जीत पाएगा, क्या उनसे लड़ाई करके मैं चिकन डिनर कर पाऊंगा। और भाई ये लॉबी बहुत ही ज़्यादा ओपी होने वाली है, क्योंकि एक तो ये भाई वो रेवन लॉबी है, ऊपर से चार चार, ऊपर से वो रेवन ऐसे भी नहीं कि नूब बंदे हों, स्किन वाले बंदे हो, उनके पास स्किल्स भी हैं, क्योंकि आपने देखा होगा उनमें से दो से तीन ब्लड रेवन के ऊपर कॉन्करर का टाइटल भी था। अब यहां पे इस बंदे को भरने के बाद सबसे पहले तो मैं निकलता हूं और यहां पे लूट वगैरह करता हूं। तभी इन भैया को यहां पे मैंने भर दिया। अभी आप लोगों को यकीन नहीं होगा, ऐसे ऐसे मैं यहां पे जाने वाले हैं क्लचेस कि आप लोग देख के पागल होने वाले हो। हम पे एक पूरी की पूरी कॉन्करर स्क्वाड रश कर देगी ये यहाँ जॉर्जो में रस करने के बाद ओपन में हम फंस जाएंगे, जहाँ पे दो से तीन स्क्वाड लगातार हम पे रस करती ही जाएंगी। और भाई क्या ही फाइट हुई, मतलब देख के आप लोग को मजा ना आए ऐसे हो नहीं सकता भाई, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने एक बंदे को लेफ्ट कंटेनर में डैमेज दिया और एक बंदे को यहाँ पे नॉक किया था, जिसका किल मुझे आई थिंक सो मिल गया है। अब जिधर मैंने डैमेज दिया था तो ये बंदा यहाँ पे आ जाता है और कर देता है हम पे रस। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले मुझे लगा कि भाई ये वही बंदा है, लेकिन एक्चुअली में ये बेचारा गरीब बिना हथियार के इधर उधर भाग रहा था। अब जैसे मैंने इसको नॉक फिनिश किया, इसका टीममेट भाई क्या ही कवर फायर देता है उसको, लेकिन यहाँ पे मेरी एमओ खत्म हो चुकी थी तो मैंने यहाँ पे भाई अपने टीममेट चरवा से ले लिया और तभी भाई ग्रेनेड आ गया हम पे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा फॉल बैक करता हूँ। एंड गाइस जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे धमाकेदार कंटेंट हमारे चैनल पे आते रहते हैं, जहाँ पे हम भाई फेरो, ब्लड रेवन और भी बहुत सारे मिथिक आउटफिट वाले बंदों के साथ साथ, ऐसा नहीं कि उनके पास सिर्फ आउटफिट है, स्किल वाले भी रहते हैं वो बंदे, वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। जैसे कि आज भाई पूरी की पूरी कॉन्करर की टीम ही आ गई भाई ब्लड रेवन की। अब यहाँ पे एक बंदा मेरे पे जिसने फायर किया था वो हम पे कर देता है रस। भाई आज जो ही बंदे हम पे चढ़ने वाले हैं ना, मतलब लंका लगा देंगे हमारी। अरे बॉट अंकल रुक जाओ, जरा सबर करो, हमको पता है केडी बढ़वाने आए हो तुम। तो इसी के साथ यहाँ पे इस बंदे को भी भर देता हूँ। अब सारे के सारे बंदे भाई गन वगैरह ढूंढ रहे हैं और जॉर्जो पुल में कम से कम नहीं तो तीन स्क्वाड उतर गई हैं और तीन स्क्वाड की लूट इस समय जॉर्जो पुल में बिल्कुल भी रहती नहीं है। अब यहाँ पे एक मिनी वाला बंदा है जो हमको एकदम इतना परेशान कर देता है ना, और उसके साथ जो फाइट होगी लास्ट तक भाई, वो देखने वाली फाइट होने वाली है। यहाँ पे थोड़ी बहुत हम लोग लूट करते हैं, तब तक आप में से जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दो। और यहाँ पे वेयर हाउस के पीछे भाई ऐसे बंदे ना मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करते हैं, जो कि जॉर्जो पुल आके और DP4X लेके या फिर M4 लेके ना टावर में चढ़ जाते हैं भाई, बहुत हरामी होते हैं बंदे लिटरली। पता नहीं जब इनको कैंप करना होता है तो ये हॉट ड्रॉप में उतरते ही क्यों हैं।
अब बस आप लोग देखो कि भाई इस बंदे की मौत कितनी गंदी होगी। अब ये टावर पे जाके बैठ गया है वहाँ पे, और भाई इसने एक बंदे को शायद भर भी दिया है, और ये हमें भी भर देता अगर हमें ये इसकी भाई लोकेशन नहीं मिलती। मैं बहुत बार ऐसे मर चुका हूँ कैंपर से। लो भाई हो गया, गया। क्या नाम है इसका भाई? गैंग बूसी। अब आप में से बहुत लोग ये मेरे से पूछते हो कि भाई यार जो आपका टीममेट रहता है वो आपका क्या मतलब किस लिए रखते हो, वो तो किल करता ही नहीं है। तो आप लोग को पता होगा गेम प्ले बनाने के लिए भाई हमको चाहिए होती है लूट, और जल्दी जल्दी हमको बंदे भी स्पॉट करने होते हैं। और अगर गेम प्ले बनाना है हाई किल के साथ तो भाई लूटने का टाइम हमको कम करना पड़ता है, तो इसीलिए टीममेट रखते हैं जिससे कि हमें लूट वगैरह मिल जाए, हमारा टीममेट ढूंढ के दे दे तो हमारा टाइम बच जाए। क्योंकि भाई जितना कम टाइम में आपके पास अच्छी लूट होगी उतना जल्दी आप रस कर पाओगे बंदों पे, और भाई अच्छे खासे किल कर पाओगे। अब उस बंदे को भरने के बाद उसका टीममेट था जो कि यहाँ पे था, और भाई ये देखो ये क्या ही तगड़े मतलब इधर उधर रोटेशंस दे रहा था। तो यहाँ मैंने लो टॉस में एक ग्रेनेड किया, सामने से मुझे फुट्स आ रहे थे, और जैसे ही मैंने ग्रेनेड फेंका वो बंदा लेफ्ट में आ गया। भाई इसको तो भर दिया हम लोगों ने, लेकिन रुको जरा सबर करो। अभी हम लोग को लगा था कि यहाँ पे ख़त्म हो गए सब लोग, लेकिन ये मिनी वाला टुक टुक किए जा रहा था पीछे से। अब मैं जैसे ही यहाँ पे जंप करके देखता हूँ भाई राइट से हम पे क्या ही तगड़ा फायर आता है। अब मुझे लिटरली नहीं मालूम कि ये बंदे कहाँ से आ गए भाई जॉर्जो पुल में, क्योंकि अभी तो उधर से पूरा रोटेशन दे के आए थे हम लोग और वहाँ पे हमें बंदे नहीं मिले थे। तो अब टाइम था भाई इन बंदों को भरने का। भाई साहब बंदे क्या ही मार रहे हैं। तो ये बंदों ने पूरा रोटेट किया थ्री वेयर हाउस की तरफ, और हम लोगों ने भी भाई रोटेट कर दिया। अब यहाँ पे ये वाला ग्रेनेड देखो आप लोग, भाई इस ग्रेनेड के लिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक बनता है भाई। क्या ही प्यारा ग्रेनेड था यार। अब आप में से कितने लोगों को ये ग्रेनेड अच्छा लगा और भाई भाई खतरनाक लगा कमेंट करके बताओ। अब यहाँ मैंने इस बंदे को नॉक कर दिया, इसका दूसरा टीममेट था जो कि कन्फर्म यहीं पर रिवाइव दे रहा था, तो बस कुछ नहीं करना था, जाके इस बंदे को भरना था। और भाई ये बंदे बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन जब बंदे का एक टीममेट नॉक हो और वो अकेले बचा हो उस पर ग्रेनेड मॉली आ चुका हो, तो आप कितने भी प्रो प्लेयर हो आपके एल लगने ही लगने हैं। तो यहाँ पे भाई इन बंदों को मार के थोड़ा इमोट वगैरह करना तो बनता है ना, क्योंकि भाई प्रो प्लेयर्स को मारने के बाद इमोट तो बनता है। अब जैसे हमें लगा था कि जॉर्जो पुल फाइनली खाली हो चुका है और अब हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, उसी टाइम पर भाई एक बग्घी आई। और इस बग्घी के साथ अब आने वाली है इसकी पूरी की पूरी स्क्वाड, और हमारे लगने वाले हैं एल। पीछे से वहां पे फायर आया और यूएजेड आ गई। भाई बॉट मारने के चक्कर में अभी मेरी पेटी बन गई थी। अब आप लोग यहाँ पे की फाइट एंजॉय करो, और भाई कमेंट करके बताना जरूर कि कैसा लगा यहाँ पर का फाइट का सीन। भाई इस बंदे को क्या ही प्री फायर में लपेटा है, मतलब दोनों ही बंदों को प्री फायर में लपेटा था, वो भी तगड़ा वाला। अब यहाँ पे देखो इसके तीन टीममेट्स मैंने भर दिए हैं, अब इनका सिर्फ लास्ट टीममेट बचा हुआ था जो कि यहाँ पे था, और एक और बंदा आ गया भाई डासिया लेके। एक नहीं शायद दो बंदे थे और इसने किसी को भर दिया। अब यहाँ पे हम लोग भाई गाड़ी रोटेट करते हैं और यहाँ पे खड़ी रहती है डासिया, और वो बंदा करता है हम पे फायर, तो हमें मिल जाती है उसकी लोकेशन। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डासिया चेंज करते हैं और वापस से गाड़ी घुमा के जाते हैं भाई उस बंदे के पास। हमें एक बार देखना था कि भाई इसके और तो टीममेट नहीं बचे। चलो भाई फाइनली अभी इस लास्ट बंदे की बारी आ गई, इसको अब देखो कैसे भरते हैं। ये देखो मैंने ग्रेनेड किया, उसने भी ग्रेनेड किया, और क्या ही प्यारा ग्रेनेड किया भाई उसने एकदम गाड़ी के पास। क्या ही खतरनाक खेल रहे थे ये बंदे एकदम से।
ग्रेनेड की बारिश कर दी मैंने, उसने भी ग्रेनेड की बारिश कर दी। और भाई इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जिसके कारण इसको हर जाना भुगतना पड़ा। मैं कवर में था और ये ओपन में आके रस कर रहा था, तो भाई कुछ नहीं, AKM के दो बुलेट लगी मुंडी पे और खेल हो गया इसका खत्म। एंड उसके बाद फाइनली यहाँ पे हमें लगा कि जॉर्जियो पुल अब पूरी तरह से खाली हो चुका है। लेकिन अब आप लोग को याद आया ये बंदा कौन है? जी हाँ, ये वही बंदा है जो मिनी से टपा टप दिए पड़ा था तब से, और ये भाई था जॉर्जियो पुल का आखिरी बंदा। अब हम जॉर्जियो पुल से निकलते हैं ड्रॉप की तरफ और मिल जाती भाई आपकी फेवरेट, मेरी फेवरेट, सबकी फेवरेट मैक्लारेन। एंड उसके बाद भाई जाते हैं हम लोग सीधे ड्रॉप की तरफ, तभी एक पूरी की पूरी स्क्वाड, ये देखो भाई विक्की ने क्या ही M24 का शॉट चिपकाया भाई, उसको चिपकाया। अब यहाँ पे ये पूरी पूरी स्क्वाड थी और इसने M24 का एक शॉट दिया था, तो ये तो कंफर्म था कि वो स्क्वाड हमारे पे रस नहीं करने वाली है। तो हम क्या करते हैं, उनके पीछे जाते हैं, लेकिन भाई ये बंदे ऑलरेडी आ चुके थे यहाँ पे, और यहाँ का फाइट सीन भाई आपका माइंड ब्लो करने वाला है। यहाँ का फाइट सीन, यहाँ तो भाई अभी जो ही गाड़ियाँ आएंगी, जो ही स्क्वाड आएंगी भाई, देखो आप लोग बस। मैंने यहाँ पे बंदे स्पॉट करने का ट्राई किया, कंफर्म वो पत्थर के पीछे ही थे, तभी यहाँ से एक UAZ आई। अब भाई ये UAZ वाले तो भाई इनका तो चूरा हो गया, ये बीच में फंस गए बेचारे, और भाई वो हाई रिज वाले बंदों ने एडवांटेज उठा के उन दोनों बंदों को दिया भर। भाई क्या ही कवर फायर दे रहा है यार, क्या खेल रहे हैं बंदे। उनका एक टीममेट रस कर देता है यहाँ पे, मतलब गाड़ी में लूट उट लेने आता है, और उसका दूसरा वाला टीममेट भाई साहब क्या ही खतरनाक भाई कवर फायर दे रहा था। ऐसा कवर फायर दे टीममेट तो भाई क्या ही करना। आपने देखा होगा पूरी वेस्ट खा गया मेरी और मेरे को 30 HP में छोड़ा था। मैंने यहाँ पे लेफ्ट में एक स्मोक किया और तभी एक और गाड़ी आ गई भाई, और वो भी फुल बंदों से भरी हुई। और भाई साहब यहाँ पे आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये कार ब्लास्ट से कितने बंदे मरे, कितने बंदे, देखते हैं कौन कौन सही आंसर दे पाएगा। अब आप लोगों ने देखा होगा एक बंदे को मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था, वो कार से कूद के फिसल के नॉक हो गया था, जो कि USZ वाली टीम का था। अब यहाँ पे ये बंदा बचा हुआ था जिसके साथ भाई फाइट बहुत ओपी होने वाली थी। यहाँ पे मैं सीधे पीछे स्मोक करता हूँ और वो बंदा भी भाई आ रहा था अपने टीममेट्स को, मतलब कि भाई लूट तो चाहिए ही होगी क्योंकि उसने बहुत सारी बुलेट्स वेस्ट कर दी थी। तो यहाँ मैं बोलता हूँ विक्की को, तू मैक्लारेन लेके जा और घुमा। मैंने यहाँ पे सामने एक स्मोक किया ताकि कवर बन जाए और एक कूद के ग्रेनेड किया, तब भी भाई वो बंदा मेरे फायर कर रहा था, वो मैक्लारेन पे ध्यान नहीं दे रहा था, मतलब उसको स्ट्रैटेजी पता चल गई हमारी। लेकिन मैंने विक्की को बोला कि तू उसके पास से घुमाता रहा मैक्लारेन, चिंता मत कर, वो बुलेट प्रूफ है तो तुझे ज़्यादा डैमेज होगा नहीं, और मैं कर देता हूँ उस बंदे पे रस। और भाई फाइनली इस बंदे को यहाँ पे भर दिया जाता है। अब बचा हुआ होता है लास्ट बंदा, और भाई इनके साथ क्या ही फाइट हुई। लेकिन ये सब के चक्कर में इतनी सारी फाइट वगैरह हुई और हम लोगों ने एक चीज़ मिस कर दी। आपने मिस की कि नहीं की कमेंट करके बताना। आप लोग देखते हैं कितने लोग भाई, कितने लोगों को ध्यान है या नहीं ध्यान है। अब जो यहाँ पे लास्ट बंदा रहता है उसने भाई हम लोग पे मौली किया, तो ये तो समझ में आ गया कि वो बंदा यहीं कहीं आसपास में लेटा हुआ था, तो हम उसको स्पॉट करने जाते हैं। अब आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं दिया
मैं आप लोग को बता देता हूँ, लेकिन वो चार ब्लड रेवन वाले बंदे कहाँ गए? अब यहाँ हम लोग हिल पे आ जाते हैं और तभी वो बंदा हमें होता है स्पॉट। अब भाई मुझे उनका नाम वगैरह भी नहीं याद था कि उनकी पूरी स्क्वाड कोई मार दिया या फिर क्या हो गया उनके साथ, पक्का उन्हें कोई किसी ने भर ही दिया होगा, क्योंकि हमारी शुरू से लेके लास्ट तक इतनी तगड़ी फाइट चली कि मेरा बिल्कुल उन ध्यान ही नहीं गया भाई किल फीड पे, और उनका नाम भी मैंने नहीं पढ़ा था, याद नहीं किया था, तो आई थिंक सो कि वो बंदे मर गए। लेकिन आज का ये गेम प्ले आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताना जरूर, और गाइज मेक श्योर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अगर भाई इतनी तगड़ी फाइट के बीच भाई वो ब्लड रेवन वाली स्क्वाड आ जाती तो और मज़ा आ जाता भाई। अब ये भी हो सकता है कि वो जो स्क्वाड आई गाड़ी से चार बंदों की, उनमें से वो बंदे हो सकते हैं ब्लड रेवन के, मैंने ध्यान नहीं दिया। आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या वो स्क्वाड ब्लड रेवन की स्क्वाड थी जो भाई जिसको मैंने M4 के स्प्रे से उड़ा दिया चारों बंदों को, या फिर नहीं थी। एंड गाइज वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर एक लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सायनारा, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइज़।